तो गाइस यार शिनचेरोन में आए थे इस बीच पर पिकनिक मनाने, और शिनचेरोन में जाने वाले हैं अभी मछली पकड़ने। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मछली पकड़ने में तो आपको पता ही यार कितना ज्यादा मजा आता है, और शिनचेन को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस वाली बोट में हम जाने वाले मछली पकड़ने। तो शिनचेन फटाफट से बैठ, अभी चलते हैं अपन मछली पकड़ने, बिल्कुल बीच समुंदर में जाएंगे। चलो यार फटाफट से थोड़ा और अंदर चलते हैं। अरे विकी में देखो एक और बोट। अरे हाँ यार यहाँ पे तो एक और बोट है। अरे उसमें तो दीदी है। अरे रुको मैं दीदी से बात करके आता हूँ। अबे कहाँ जा रहा है पागल है क्या? अरे विकी में रुको तो सही है, मैं दीदी से अभी के अभी बात करके आता हूँ, उनके साथ में मछलियाँ पकड़ेंगे। अबे कहाँ जा रहा है? अरे दीदी हमारे साथ चलोगे क्या? अरे बेटा कहाँ चल रहे? अरे दीदी हमारे में बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना है, वहाँ पे हमारे टेंट है, चलो यार अपन साथ में पिकनिक मनाएंगे। अच्छा ठीक है चलो चलो। अरे चलो चलो दीदी के साथ चलते हैं, मस्ती पिकनिक बनाएंगे, मस्त खाना खाएंगे, फेंकी भी मछली पकड़ के लेके आ जाएंगे अपने लिए। चलो चलो फटाफट से टेंट के पास चलते हैं। अरे दीदी ये हमारा टेंट है, आपको जो चाहिए खा लो, मस्त हमारे में बहुत सारी चीजें खाने के लिए। अबे शिनचेन पागल वागल लेके यार उस लड़की को वहाँ पे लेके आ गया, और उसको सारा का सारा खाना बोल दिया, कुछ भी खा सकती है। अब इतनी मेहनत से मैं खाना बना के लेके आया, तो शिनचेन उसको खिला रहा, जानते भी नहीं हम उसको। चलो यार अभी चलते हैं। अबे शिनचेन तू लकड़ियां लेके यार, अपन को आग जलाने के लिए चाहिए। अरे फिकी भी आप लेके आओ ना, मैं दीदी के साथ हूँ। अबे तेरा काम है लकड़ियां लेके आने का, फटाफट से लेके आ। अच्छा ठीक है जाता हूँ। दीदी आप इधर ही रहना, मैं लकड़ियां लेके आता हूँ। अरे यार ये फेंकी भी आने यार शांति से दीदी के साथ बैठने भी नहीं दे रही यार, बोल रही लकड़ियां लेके आए। अरे लकड़ियां कहाँ मिलेगी यार, पेड़ तो उस तरफ है। अरे अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे कैसे जाऊँ वहाँ पे? अरे ये क्या, अरे ये क्या, अरे ये तो वेल है। अरे ये इधर क्या कर रही है? अरे ये वेल पानी के बाहर कैसे आ गई? अरे ये तो अभी भी जिंदा, ये तो हिल रही है। अरे रुको इसको मुझे पानी में डालना पड़ेगा। अरे मुझे इसको बचाना पड़ेगा। अरे जल्दी कैसे करूँ क्या करूँ? अरे जाना, अरे इसका मुंह तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मुझे डर लग रहा है। अरे इसको कैसे अंदर भेजूँ? अरे कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा भारी, मैं तो इसको धक्का भी नहीं पा रहा। ये 1 2 3, अरे जाना, अरे रुको वापस करना पड़ेगा 1 2 3। अरे ये तो मैं ही गिर गया। अरे रुको मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अरे कैसे, चलो यार फटाफट से इस वेल को इस गाड़ी से अंदर भेजते, इससे मैं आराम से भेज पाऊंगा। ये मारते ठोकर इसको, ये ले। अरे ये तो पीछे खिसक रही है। अरे चलो गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करके ठोकना पड़ेगा ताकि ये अंदर जा पाए। ए 1 2 3, अरे अंदर जाना अंदर। अरे तो और हिल गई। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। अरे इसको एक ही बार में पूरा अंदर डालूंगा। रुको थोड़ा, अभी पानी के पास पहुंच गई। और ये आखिरी टक्कर और वो पानी के अंदर चली गई। अरे कैसे, उस वेल को मैंने बचा लिया, वो पानी के अंदर चली गई। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये कौन से धुएं निकल रहे? अरे उसमें से लाइटें कैसे निकल रही है? अरे वेल भैया तुम ठीक तो हो ना? अरे वेल भैया बताओ ना। बच्चे तूने मुझे वापस पानी में डाल के मेरी जान बचा ली, मैं तेको बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगी। मैं हूँ एक जादुई वेल, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू किसी भी चीज को टच करेगा तो वो सोने की बन जाएगी, क्योंकि मैं हूँ एक गोल्डन वेल। बाय बाय। अरे ये क्या हुआ? अरे वो वेल क्या चली गई? और ये रात से सुबह कैसे हो गई, और सुबह से रात कैसे हुई थी? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है यार? और उसने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया। अरे ये क्या, ये गाड़ी तो गोल्ड की बन गई। अरे ये तो आशीर्वाद सही में काम कर रहा है। अरे रुको मेरी आंखें तो खराब नहीं है। अरे नहीं 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 आंखें खराब नहीं है, चलो फेंकी फेंकी बस चलते हैं। अरे कहीं सर उसने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे गाड़ी को जैसे टच किया वो गोल्ड की बन गई। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे चलो फेंकी फेंकी पास चलते हैं। फेंकी भैया, अरे फेंकी भैया देखो, अरे फेंकी भैया देखो गाड़ी गोल्ड की। ये गाड़ी कहाँ से लाया तू गोल्ड की? अरे विकी भाई वेल ने मुझे आशीर्वाद की दिया, मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो गोल्ड की बन जाती है। क्या बोल रहे, कौन सी वेल से मिल के आ गया? अरे विकी भाई यार मेरे को खतरनाक आशीर्वाद मिल गए। अच्छा चल फटाफट से इस बोट को चेंज करके दिखा। अरे लो विकी भाई अभी कर देता हूँ। और कैसर ये तो सही में हो गया। अरे कैसर इसने यार इस बोट को यार पूरी गोल्ड की कर दी, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अबे शिनचेन पता नहीं कौन सी भी वेल थी, पर उसने बहुत ही तगड़ा आशीर्वाद दे दिया, इससे तो हम यार बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अब तो। तो कैसर मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया, अभी मैंने रोड पे चलते चलते एक जने की गाड़ी चुरा ली और शिनचेन से उसको गोल्ड का करवा दिया। अब मैं ये गाड़ी यार साइमन को बेच दूंगा। अरे साइमन भाई क्या हाल है यार, मैं तुम्हारे लिए लाया गोल्ड की गाड़ी, पूरी की पूरी प्योर गोल्ड की गाड़ी है तुम्हारे लिए। अरे क्या फ्रैंकलिन, गोल्ड की गाड़ी? अरे कितने में बेच रहे हो? अरे कितने पैसे वैसे नहीं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, मैं तेरी एक गाड़ी ले लेता हूँ और तू मेरी एक गोल्ड की कार ले ले। अरे ये फ्रैंकलिन तो पागल है, गोल्ड की कार दे रहा है एक नॉर्मल कार के लिए। है क्या बोल रहे? अरे हाँ हाँ ठीक है जो गाड़ी चाहिए ले लो। अच्छा ठीक है ले लेता हूँ। तो गाइजर फटाफट से इस लैम्बोर्गिनी को यहाँ से ले लेते हैं। उसको लग रहा है वो गोल्ड की प्राइस ज्यादा महंगी, मतलब वो इस लैम्बोर्गिनी से तो ज्यादा महंगी है क्योंकि वो प्योर गोल्ड की है, पर उसको नहीं पता हम इस गाड़ी को भी प्योर गोल्ड का कन्वर्ट करने वाले। शिनचेन फटाफट से बैठ जा। और गाइजर ये गाड़ी गोल्ड में हो गई। अरे ये कैसे किया? अरे भागो यहाँ से। अरे यार गाइजर फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। आप देख सकते हो हमें क्या ही तगड़ी गाड़ी मिल चुकी है, लैम्बोर्गिनी, वो भी पूरी पूरी गोल्ड की।
तो क्या मैं डील फाइनल समझू, इन तीन गोल्ड गाड़ियों के बदले आप हमें देंगे बहुत सारा कैश, ठीक है ना? अरे तुमको कैश की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो गोल्ड की गाड़ियां, पैसा तो तुम्हारे पास बहुत होगा। अरे मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, मेरे पास कैश नहीं है। तुम्हारे पास कैश है कि नहीं? अरे हाँ हाँ ले लो ये गाड़ियां मेरी, कैश तुम्हारा। अच्छा ठीक है, तो गाइस अभी सारा का सारा कैश मुझे मिल चुका है, शिनचैन फटाफट से शुरू हो जाए। अरे ठीक है, इन सबको छू लेता हूँ मैं। अरे चलो इसको भी रख लेते हैं। तो गाइस यार अब यार शिनचैन ने सारे के सारे कैश को छुआ और वो कैश बन चुका है सारा का सारा गोल्ड का। और वो जो उस जाने की गाड़ी थी वो हम अभी हम यहाँ से लेके जा रहे, वो भी गोल्ड की हो चुकी है। हमने उसको तीन गाड़ी दी वो भी गोल्ड की और उससे इतना सारा गोल्ड लिया जिससे मैं खरीदने वाला हूँ घर। मतलब यार गाड़ी देखिए मैं घर नहीं ले सकता था इसलिए मुझे यार पैसे चाहिए थे और पैसे से अच्छा मैंने सोचा गोल्ड ही ले लेते। तो यार ये वाला घर मैंने अभी यार खरीद लिया। अभी आपको दिखाता हूँ ये घर कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी अपने यहाँ पे गाड़ी लगा दी, एक और गोल्ड की गाड़ी, मतलब गाड़ियों की तो कमी नहीं, इतनी सारी बस गोल्ड की गाड़ी हो चुकी है। यहाँ पे देखो यार नीचे स्विमिंग पूल है, फटाफट से जंप मारते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इधर मत देखो आपके काम की चीज नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सोफा लगा हुआ है, अपना गेमिंग सेटअप जो कि शिनचैन को चाहिए था, वो बोल रहा था कि यार वो गोल्ड का करेगा, इसको भी चलो देखते हैं। और यहाँ पे अपना बेडरूम है, ऊपर से यार मस्त ओपन बाथरूम भी बना रखा है और यार मस्त टीवी भी लगी है, सारे सारे साउंड बार लगे, फुल मस्त यार जिम भी बना हुआ है। तो गाइस यार ये तो एक नॉर्मल सा घर था, मुझे चाहिए था क्योंकि यार मैं पुराने वाले घर में रह के परेशान हो गया। तो ये तो मैंने जो भी जल्दी जल्दी में मुझे घर मिला वो मैंने खरीद लिया। तो गाइस यार अभी मैंने रखी है अपने बीच पे बहुत ही खतरनाक वाली पार्टी, सारे के सारे मेरे दोस्त आ रखे और मैं इनको देने वाला बहुत ही खतरनाक वाला सरप्राइज। ये सारी इनकी इनकी गाड़ियां, मैं इनकी सारी गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट करने वाला हूं। शिनचैन आजा फटाफट से। पक्के सबकी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट करनी है? अरे हाँ इसमें सोच रहा नहीं है, सारे सारे मेरे दोस्त हैं। अरे ठीक है फेंकी मैं सभी की सभी कर देता हूँ। तो गाइस यार शिनचैन अभी सारी सारी गाड़ियों को छू के गोल्ड का कर देगा, मेरे सारे सारे दोस्त बिल्कुल खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको मिल जाएगी गोल्ड की कार्स और उनकी जितनी भी गाड़ी मतलब सबको वो गोल्ड का कन्वर्ट कर देगा शिनचैन। तो फटाफट से जब तक शिनचैन करता है आप यार पार्टी इंजॉय करो। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार हम 500K की बहुत ज्यादा करीब है। तो मुझे जल्दी से जाना है, फिर हम यार बहुत ही बड़ी वाली पार्टी रखने वाले हैं 500K की, बहुत मजा आएगा। शिनचैन एक काम करते वहाँ पे नॉर्मल लोग भी बीच में उनकी भी यार थोड़ी गाड़ियां गोल्ड में करते तो मजा आ जाएगा। ठीक है फिंकी पैसे तो सबके सब खुश हो जाएंगे। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, सभी के सभी खुश हो जाएंगे। मतलब यार किसी भी रैंडम लोगों की वो देखेगा उनकी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट हो चुकी है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ सारे के सारे छूते। अरे फिंकी में तो बोट भी है। अरे हाँ बोट भी छूते भाई, जो देखे छूते। अरे वो लोगों को मत छूते ना, पता चले वो गोल्ड के बन जाए। अगर लोग अगर गोल्ड के बन जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा भाई, ये छोड़ो भाई ये सब। शिनचैन फटाफट कर दे। अरे फिंकी में बस यार हो ही गया यार, फटाफट से सबको कर देता हूँ। और कई सारे शिनचैन ने बहुत सारी बोट्स कार्ड्स सबको यार गोल्ड का कन्वर्ट, बस यार उनको टच कर दिया तो वो हो जाएगी कन्वर्ट। और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये गाड़ी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है जो कि शिनचैन ने टच करी थी वो गोल्ड की बन गई और इसमें नीचे मस्त मस्त लाइट लगी हुई है। तो मैं इसको लेके यहाँ से निकल रहा हूँ। गाइस यार फटाफट से कमेंट करके बता दो ये वाली गाड़ी आपको कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। तो चलो यार आपको एक और सरप्राइज दिखाता हूँ। तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं हमारे पुराने वाले घर पे। आपको याद होगा ये वाला घर मैंने खरीदा था पर यार मेरे पास गोल्ड की कार्स, हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स नहीं थे। तो यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी ना मैं उन सबको गोल्ड का करा दिया। यहाँ पे देखो ये चार सुपर कार खड़ी है, ये सब की सब गोल्ड की हो चुकी है। और आपको घर तो हमारा पता ही, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा घर है। मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे जो ईंटें हैं ना उन सबको शिनचैन को टच करवा दूं तो ये सब की सब गोल्ड की बन जाएगी। कैसा लगा आपको ये आइडिया, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। और अभी आपको दिखाता हूँ मेन चीज, यहाँ पे मेरे पास है पूरे के पूरे 5 हेलीकॉप्टर जिनको हमने करवा दिया गोल्ड का। मतलब हमारे पास हो चुके गोल्डन हेलीकॉप्टर्स, वो भी 5। मेरे पास पहले सिर्फ एक ही था, मैंने अभी यार एक को उसको गोल्ड का किया फिर उसको बेचा और फिर उसके उससे मैंने 5 हेलीकॉप्टर खरीदे फिर उन सबको गोल्ड का कर दिया। तो अभी मेरे पास 5 हेलीकॉप्टर हो चुके हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली चीज है, मतलब हम जहाँ चाहे उड़ के जा सकते हैं। बस इतना ही नहीं, हमारे पास है गोल्डन एरोप्लेन्स, अभी आपको दिखाता हूँ जो कि खड़े हैं यहाँ पे। मेरे पास 3 गोल्डन जेट है यार, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने ऐसे ही ये पहले एक जेट खरीदा फिर उसको गोल्ड का करके उसको सबको बेच मतलब उसको बेच दिया, फिर उससे मैंने 4 जेट खरीद लिए फिर उन 4 को गोल्ड का कर दिया। तो मतलब कुल मिला के हमारे फुल मजे ही चल रहे हैं यार, शिनचैन को बहुत ही खतरनाक सी पावर मिल गई है। तो ये था हमारा पुराना वाला घर जिसमें हम नए गोल्ड के एडिशन कर दिए। आपको हमारे हेलीकॉप्टर कैसे लगे गोल्ड के बता देना और प्लेन कैसे लगा वो भी बता देना और गाने कैसे लगी वो भी मुझे बताना। तो आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं कैसी लगी वीडियो पर आप मुझे कमेंट में बता दो। और कैसा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर ज्वाइन फॉलो कर लेना, वहां पर बैठ के मस्त मस्त बात करेंगे। और कैसा मैं बताऊँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।